हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 6.9 यानी कि बर्नौली इक्वेशन पे जो बेस प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 6.8 तक सॉल्व कर लिया था। तो बर्नौली इक्वेशन के जो है क्वेश्चन से वो सॉल्व कर रहे हैं। और बर्नौली इक्वेशन का फार्मूला क्या था, टोटल एनर्जी एट एनी सेक्शन क्या था, P1/ρg प्लस Z1 प्लस V1² / 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी किसी फ्लूड की जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी सेक्शन पे क्या होगी, समेशन होगा प्रेशर हेड का, डेटम हेड का और काइनेटिक हेड का। मतलब ये P1/ρg प्लस Z1 प्लस V1² / 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम लोगों ने देखा था। अब ये क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 6.9 क्या कर रहा है देखते हैं। ए पाइपलाइन कैरिंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87 चेंजेस इन डायमीटर फ्रॉम 200 mm डायमीटर एट ए पोर्शन एट ए 500 mm डायमीटर एट पोजीशन बी विच इज 4 meters एट ए हायर लेवल इफ द प्रेशर एट ए एंड बी आर 9.81 न्यूटन पर सेमी स्क्वायर एंड 5.886 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्चार्ज इज 200 liters/s डिटरमाइन द लॉस ऑफ हेड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पढ़ के। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पाइप है जिसकी डाया जो है 200 mm से 500 mm हो रही है। यानी कि जो सेक्शन वन की डाया थी कितनी थी, 200 mm थी, और जो सेक्शन टू पर डाया है पाइप की कितनी है, 500 mm है। यानी कि हम देख रहे हैं जो पाइप की डाया है वो क्या इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो पाइप है वो डाइवर्जिंग पाइप होगी, डाइवर्जिंग इस तरह की पाइप होगी। उसके बाद से कह रहा है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है फ्लूड की कितना दिया, 9.87 दिया। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87 दिया है तो हमको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है SG का डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। स्टैंडर्ड फ्लूड हमारा वाटर होगा तो हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे फ्लूड की कितनी आएगी, 870 kg/m³। यानी कि हमको डेंसिटी पता चल गया जो फ्लूड फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू कितनी है, 870 kg/m³। ठीक, उसके बाद से क्या हमको डाया पता है, और लिखा है कि इफ द प्रेशर एट ए एंड बी आर 9.81 and 5.886। यानी कि सेक्शन ए पे प्रेशर दिया है कितना दिया, 9.81। सेक्शन ए पे जो प्रेशर दिया है वो दिया है 9.81 यूनिट क्या है, न्यूटन पर सेमी स्क्वायर। यानी कि पहले इसको यूनिट न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9.81 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी तरह जो हम प्रेशर निकालेंगे एट सेक्शन बी पे, तो सेक्शन बी पे प्रेशर कितना दिया, 5.886 कितना न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 5.886 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना डाटा हमको गिवन है। यानी कि हमको दोनों सेक्शन पे प्रेशर पता है, डाया पता है सेक्शन का, और क्या पता है कि पाइप जो हमारी है डेंसिटी पता है फ्लूड की, और पाइप का जो सेक्शन है वो क्या डाइवर्जिंग नेचर का है, डाइवर्जिंग पाइप है हमारी, और दिया डिस्चार्ज गिवन है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में डिस्चार्ज गिवन है कितना दिया, 200 liters/s। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लीटर पर सेकंड को मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, 200 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 200 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -0.2 m³/s। यानी कि डिस्चार्ज हमको पता है। अब कह रहा है कि हेड लॉस निकालो एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालो। यानी कि HL होता है हेड लॉस, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब कह रहा है कि जैसे अगर पाइप हमारी डाइवर्जिंग नेचर की इस तरह की है, और कन्वर्जिंग नेचर की पाइप इस तरह की हमारी इंक्रीज कर रहा है, तो सेक्शन वन है ये, मान लो बी सेक्शन है तुम्हारे पाइप का, ये सेक्शन है ये पाइप का, तो हमसे कह रहा है कि वाटर या फ्लूड जो फ्लो करेगा, जो भी
डेंसिटी ऑफ फूड की 870 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब डेंसिटी इस फूड की। तो पूछ रहा हमसे कि जो फ्लूड है वो सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ जाएगा कि सेक्शन बी से ए की तरफ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा फ्लूड का फ्लो करने का। फ्लूड जो है सेक्शन ए से बी की तरफ जाएगा कि बी से ए की तरफ जाएगा, तो हमको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड कैसे करते हैं, देखो जैसा कि हमको सिंपल पहले पता था जब हम बर्नौली क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, हम जानते थे कोई फ्लूड अगर फ्लो कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता, यानी कि अगर कोई पाइप है उस पर कोई एक सेक्शन ले लें हम 1-1 है, दूसरा सेक्शन क्या 2-2 है। तो जब हम बर्नौली क्वेश्चन नहीं पढ़े थे तो हम समझते थे कि जो पाइप में फ्लूड का फ्लो होता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, यानी कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से फ्लो का स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रेशर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। यानी कि सेक्शन वन पे अगर प्रेशर 20 है और सेक्शन टू पे अगर 10 है, MPa मान लो मेगा पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो यानी कि फ्लूड जो होगा सेक्शन वन पे चूँकि प्रेशर ज़्यादा है और सेक्शन टू पे प्रेशर कम है, तो फ्लूड का फ्लो होना क्या हो जाएगा 20-10 होगा, क्योंकि 10-20 तो होगा नहीं, क्योंकि 20-10 होगा फ्लूड का फ्लो होना। हम ये पहले जानते थे कि यहाँ प्रेशर डिफरेंस हमारा फ्लूड फ्लो करता है, मगर जब हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है, प्रेशर को केवल हम कंसीडर करके हम बता नहीं, प्रेशर को केवल कैलकुलेट करके हम बता नहीं सकते हैं कि फ्लूड फ्लो होना स्टार्ट कहाँ से होगा। मान लो सेक्शन वन है, ये सेक्शन टू है तुम्हारा, सेक्शन वन है सेक्शन टू है, तो केवल प्रेशर को कंसीडर करके हम बता नहीं सकते हैं कि फ्लूड का फ्लो होना स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। जैसे अगर प्रेशर वन पे ज़्यादा है प्रेशर टू पे ज़्यादा, तो हम नहीं कहेंगे कि प्रेशर वन पे ज़्यादा प्रेशर है सेक्शन वन पे तो फ्लूड हमारा फ्लो यहाँ से यहाँ होगा। हम क्या करेंगे, अब बर्नौली क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो हम क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे फ्लूड की सेक्शन पे। मान लो सेक्शन वन है पाइप का, ये सेक्शन टू है पाइप का, तो हम क्या करेंगे टोटल एनर्जी निकालेंगे फ्लूड की एट सेक्शन वन, जो बर्नौली का फार्मूला होता है P/ρg प्लस जेड प्लस V2 टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब सब एनर्जी आ गई, प्रेशर एनर्जी भी आ गई, डेटा एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी फ्लूड की। और इसी तरह हम क्या करेंगे टोटल एनर्जी सेक्शन टू पर निकालेंगे फ्लूड की, तीनों ऐड कर देंगे। और निकालने के बाद से हम देखेंगे जो एनर्जी ज़्यादा होगी सेक्शन पे, मान लो TE1 इज ग्रेटर देन TE2 है, मान लो सेक्शन वन पे एनर्जी ज़्यादा है सेक्शन टू से, तो फ्लूड का फ्लो होना कहाँ से होगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, तो फ्लूड फ्लो होगा सेक्शन वन टू सेक्शन टू, ठीक। अगर TE2 ज़्यादा होगा, TE1 कम होगा, तो हमारा फ्लूड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन टू से सेक्शन वन की तरफ। यानी कि हम क्या करेंगे, किसी भी फ्लूड को फ्लो की डायरेक्शन निकालनी होगी हमको, तो सिंपल हम क्या करेंगे टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर दो उस सेक्शन पे फ्लूड की, और जिस सेक्शन पे टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी फ्लूड का फ्लो होना वहीं से स्टार्ट होगा। यानी कि अगर सेक्शन टू पे जाते हैं फ्लूड की एनर्जी, तो यानी कि सेक्शन टू तुम्हारी ये पाइप का, ये सेक्शन टू है, ये सेक्शन वन है, तो टोटल एनर्जी क्योंकि ज़्यादा है यहाँ सेक्शन टू पे और सेक्शन वन पे कम है, तो फ्लूड कहाँ से होगा फ्लो होना, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल तक फ्लो करेगा। तो ये सेक्शन टू पे एनर्जी ज़्यादा है तो फ्लूड जो होगा इस तरह आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस तरह फ्लूड का फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्योंकि प्रेशर के बिहाफ पे हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लूड यहाँ से स्टार्ट होगा फ्लो होना, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि टोटल क्योंकि फ्लूड के टाइप पाइप पास तीन टाइप की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, डेटा एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो तीनों एनर्जी का समेशन हम निकालेंगे और समेशन निकालने के बाद तब हम बताएंगे कि फ्लूड कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा। क्योंकि अगर हम केवल प्रेशर को ही कंसिडर करेंगे तो एग्जैक्ट जो होगा एनालिसिस नहीं हो पाएगी, कहीं कहीं तो लग जाएगा ये फंडा प्रेशर का, मगर हर जगह नहीं लगेगा। जैसे अगर कोई पाइप मान लो तुम्हारा सेक्शन वन पे है, ये सेक्शन टू पे है, तो मान लो जो प्रेशर हेड है, यानी कि प्रेशर हेड मतलब ड्यू टू प्रेशर एनर्जी की कारण जो आता है हेड उसको कहते हैं प्रेशर हेड। तो मान लो प्रेशर हेड जो तुम्हारा P/ρg है, यहाँ पे जैसे कोई पाइप है इस तरह फ्लो कर रहा है, तो मान लो जो प्रेशर एनर्जी है तुम्हारी 1 पे और 2 पे, प्रेशर एनर्जी 1 पे मान लो तुम्हारी 10 है और 2 पे क्या है 2 है, तो हम क्या जान रहे हैं केवल प्रेशर ज़्यादा है 10 पे, सेक्शन 1 पे 10 है, 2 पे 2 है, सेक्शन 2 पे 2 है प्रेशर, तो फ्लो कहाँ से स्टार्ट होगा सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की तरफ, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है सेक्शन 1 से।
हायर प्रेशर प्रेशर टू लो प्रेशर हम बता दिए खाली प्रेशर के बिहाफ पे, मगर हो सकता है कि इस फ्लूड के पास सेक्शन वन वाले फ्लूड के पास डेटम हेड 1 ही मीटर हो, 1 हो, और काइनेटिक हेड क्या हो 2 मीटर हो, तो टोटल एनर्जी की जोड़ो कितना आएगा 10 1 2, कितना 10 × 12 = 13 आया, 13 आया टोटल एनर्जी कितना आया सेक्शन 13 आया। और मान लो यहाँ प्रेशर एनर्जी कितनी थी सेक्शन 2 थी, तो हो सकता है इसका डेटम हेड क्या हो 10 हो और काइनेटिक हेड क्या हो 4 हो। तो अगर टोटल एनर्जी निकालोगे सेक्शन 2 पे तो कितना आएगा 10 × 4 = 14 × 2 = 16, यानी कि सेक्शन 2 पे टोटल एनर्जी ज़्यादा है। तो जो हम लोग माने थे केवल प्रेशर को कंसीडर करके, पर प्रेशर के बिहाफ पे हम बता दिए थे कि हमारा जो फ्लूड है वो सेक्शन 1 सेक्शन 2 फ्लो करेगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, तो मगर ये गलत हो गया हमारा। गलत इसलिए हो गया क्योंकि टोटल एनर्जी जो हम कैलकुलेट किए सेक्शन पे, तो टोटल एनर्जी सेक्शन 2 पे ज़्यादा आ रही है, सेक्शन 1 पे कम आ रही है। प्रेशर तो ज़्यादा आ रहा है सेक्शन 1 पे, मगर टोटल एनर्जी जो आ रही है यानी कि प्रेशर एनर्जी, डेटम एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वो सेक्शन 2 पे ज़्यादा है। तो सेक्शन 2 पे ज़्यादा है इसलिए क्या होगा, हमारे जो फ्लूड का फ्लो होना स्टार्ट होगा वो सेक्शन 2 से सेक्शन 1 की तरफ होगी, क्योंकि क्योंकि फ्लूड हमेशा हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी फ्लो करता है। जो हम डायरेक्शन माने थे गलत हो गया, यानी कि अब फ्लूड इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी फ्लूड किसी भी प्रॉब्लम में हमसे पूछता है कि डायरेक्शन निकालो फ्लूड का, किस डायरेक्शन में फ्लूड फ्लो करेगा, सिंपल क्या करना, टोटल एनर्जी फ्लूड की अलग अलग सेक्शन पर कैलकुलेट कर लो, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लो सेक्शन 1 पे, टोटल एनर्जी निकाल लो सेक्शन 2 पे। अब इनमें से जो एनर्जी ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन से फ्लो स्टार्ट होना फ्लो करेगा, यानी कि टोटल एनर्जी अगर सेक्शन 2 पे ज़्यादा हो तो सेक्शन 2 से 1 की तरफ फ्लो होगा, अगर 1 पे ज़्यादा होगा तो सेक्शन 1 से 2 की तरफ फ्लो होगा फ्लूड का फ्लो होना, ठीक। अब देखो इसमें हमसे वही पूछा है कि डायरेक्शन निकालना है फ्लूड की, फ्लूड का डायरेक्शन क्या होगा पहली बात, ये तुम जान गए कैसे कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके। दूसरा पूछ रहा है कि हेड लॉस निकालो, क्या हमसे पूछ रहा है दो चीज़ की हेड लॉस निकालो। तो हेड लॉस का लास्ट लेक्चर में फार्मूला बताए थे FLV² / D2G होता है सिंपल, और अगर नहीं पता फार्मूला तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो सेक्शन 1 पे होता है वो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 प्लस हेड लॉस, हेड लॉस ये फार्मूला होता है, यानी कि टोटल एनर्जी सेक्शन 1 पे इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 प्लस हेड लॉस को ऐड कर देंगे। तो अगर हेड लॉस निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 माइनस टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2, क्योंकि टोटल एनर्जी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं टी सेक्शन 1 पर सेक्शन 2 पर, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको हेड लॉस पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट में एनर्जी हमारी लॉस हुई है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हुई है फ्रिक्शनल या विस्कोस लॉसेस की वजह से, तो हेड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दो चीज़ कहा है हमको कैलकुलेट करने के लिए। तो पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाएंगे उसका। तो देखो फिगर क्या कैसे बनेगा, हमारा जो पाइप है वो 200 mm से 500 mm की डाया इंक्रीज कर रहे हैं पाइप की, तो पाइप जो होगा हमारा डाइवर्जिंग होगी, इस तरह का पाइप जो होगा हमारा डाइवर्जिंग पाइप होगा मान लो, ठीक। तो मान लो तुम्हारे ये पाइप का क्या सेक्शन ए है, क्वेश्चन में कहा है ए तो हम भी इसको ए कहेंगे, और ये हमारा क्या बी है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा फ्लूड का इस तरह। और दूसरा कुछ कहा है क्वेश्चन में, ये जो हमारा डाया पता है तो क्वेश्चन में डाया पता है हमको सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे पाइप का, पाइप के डाया कितना है और प्रेशर ही पता सेक्शन ए और बी पे हमको, और लिखा है कि स्प्लिट द डिस्चार्ज भी पता, और पूछ रहा है कह रहा है कि बी ए से टू फ्रॉम 200 mm डायमीटर एट ए पोजीशन ए टू 500 mm एट ए पोजीशन बी विच 4 meters एट ए हायर लेवल, यानी कह रहा है हमारा, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है ये पाइप जो है हमारी, ये पाइप डाइवर्जिंग नेचर की जो है, इस पाइप का सेक्शन ए तुम्हारा ये है सेक्शन बी तुम्हारा ये है, फ्लूड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा, और कह रहा है जान लो हमारी रेफरेंस पॉइंट ये है, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये रेफरेंस है, कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि डेटम हेड कितना है सेक्शन ए वाले
पाइप का सेक्शन ए वाला जो पोर्शन है वो डेटम हेड कितना है, यानी सेक्शन ए पे डेटम हेड की वैल्यू नहीं पता हमको, तो ये क्या डिफरेंस है, यानी कि इसके लिए डेटम हेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कह रहा है सेक्शन बी के लिए जो तुम्हारा डेटम हेड है वो 4 मीटर दिया है, यानी कि अगर रेफरेंस ही हमारा ये है तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 4 मीटर दिया, ठीक। तो अगर हम डेटम हेड निकालेंगे सेक्शन ए के लिए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस ही यहीं से मेजर कर रहा है। और जेड भी कितना हो जाएगा, डेटम हेड है सेक्शन भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो 500 mm वाली पाइप है वो 4 मीटर के डिस्टेंस को हाइट पे है, जीरो हो जाएगा। तो देखो हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी निकालना है सेक्शन वन पे। तो टोटल एनर्जी सेक्शन वन निकालेंगे, मतलब पी वन अपन रो जी प्लस जेड वन प्लस वी वन स्क्वायर अपन टू जी करना है। और इसमें से क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखो हमको पी वन पता है, प्रेशर दिया है सेक्शन ए पे, तो पी वन कल डायरेक्ट रख देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था तो वहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट कर लिए थे 870 kg पर मीटर क्यूब। जी पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जेड वन की वैल्यू क्या, जीरो है, क्योंकि जेड वन जो है रेफरेंस से कॉन्साइड कर रहा, तो जेड वन की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में दी नहीं है, तुम जीरो पुट करेंगे, ठीक। जेड वन जीरो है तुम्हारा। देखो वेलासिटी नहीं पता हमको, वी वन वी टू नहीं पता है, तो अब वेलासिटी कैसे निकालेंगे, हमको डिस्चार्ज गिवन है, डिस्चार्ज कितना दिया था 200 लीटर पर सेकंड। तो डिस्चार्ज को जब हम कन्वर्ट किए तो मीटर क्यूब पर सेकंड में तो कितना आया था, 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड आया था, ठीक, ये आया था। तो हम बताए थे कि जब भी हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑटोमेटिकली आता है, बिना कंटिन्यूटी के बर्नौली को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है क्वेश्चन को। तो इसलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, कहता है कि डिस्चार्ज जो होगा वो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू होगा, ठीक। तो हमको क्या डिस्चार्ज पता है, एरिया सेक्शन वन में पता है कितना, 200 mm आया, अगर 5π/4d² कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज निकल जाएगा, हमको डिस्चार्ज पता है, तो यहाँ से हमको वेलासिटी निकल जाएगी, मतलब 0.2 डिस्चार्ज दिया था और एरिया से डिवाइड कर देंगे 5π/4 × 0.2² से, तो हमको वेलासिटी निकल जाएगी सेक्शन वन पे। इसी तरह डिस्चार्ज इक्वल टू ए टू वी टू लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हमको एरिया पता है, वेलासिटी से डिवाइड, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको वेलासिटी पता चल जाएगी एट सेक्शन टू, यानी कि 5π/4 × 0.5², ठीक। तो वेलासिटी पता हो गई हमको, वी वन वी टू, यानी कि वी वन वी टू हम कहाँ से कैलकुलेट किए हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से कैलकुलेट किए हैं। वेलासिटी याद रखना कि वेलासिटी जब भी टर्म आएगा दिमाग में, तो वेलासिटी हमेशा कहाँ से कैलकुलेट की जाएगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो देखो अब हमको टोटल एनर्जी निकालना है सेक्शन वन पे, तो हम क्या करेंगे, पी वन अपन रो जी प्लस जेड वन प्लस वी वन स्क्वायर अपन टू जी निकाल लेंगे, ये टोटल एनर्जी सेक्शन है। अब देखो सब कुछ पता है, पी वन पता है, जेड वन जीरो है, डेंसिटी पता है हमको, वी वन कैलकुलेट कर चुके कंटिन्यू इक्वेशन से, तो टोटल एनर्जी सेक्शन वन पे निकल जाएगी। अब इसी तरह क्या करेंगे, हम टोटल एनर्जी निकालेंगे कहाँ पे, एट सेक्शन टू, मतलब पी टू बाई रो जी प्लस जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर अपन टू जी। देखो जेड टू कितना दिया, 4 मीटर दिया पता हमको, पी टू पता, डेंसिटी पता, वेलासिटी पता सेक्शन टू पे, तो हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे एट सेक्शन टू पे, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी होगी सेक्शन टू पे। अब टोटल एनर्जी निकल जाएगा सेक्शन वन टू पे, तो जो एनर्जी ज़्यादा होगी, मान लो टी वन अगर ज़्यादा होगा टी टू से, यानी कि तो हमारा फ्लो कहाँ से होगा, तो सेक्शन वन से टू की तरफ होगा फ्लो, ठीक। जो एनर्जी ज़्यादा होगी वहीं से फ्लो स्टार्ट होगा सेक्शन वन सेक्शन टू की तरफ। अब देखो हेड लॉस अगर कैलकुलेट करना है, इसमें हेड लॉस का है हमको कैलकुलेट करने के लिए, तो मान लो टी वन इज ग्रेटर देन टी टू आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हेड लॉस निकल जाएगा, टी वन माइनस टी टू, तो क्या आएगा, हेड लॉस आएगा, मीटर में आ जाएगा कुछ आंसर। बस सिंपल यही कहा था क्वेश्चन में कि टोटल एनर्जी डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन का जब भी आएगा क्वेश्चन तो क्या करेंगे, हम टोटल एनर्जी अलग अलग सेक्शन पे निकाल लेंगे, और जिस सेक्शन पे ज़्यादा एनर्जी होगी वहीं से फ्लो होगा स्टार्ट होना, फ्लूड का फ्लो होना स्टार्ट होगा, एनर्जी जहाँ हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल फ्लूड का फ्लो होना स्टार्ट होता है। और हेड लॉस अगर कहे हुआ तो सिंपल दोनों एनर्जी लेवल का हम डिफरेंस ले लेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन तुम्हारा हल हो जाएगा इस तरह।
अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग डायमीटर 300 mm एंड 200 mm एट द बॉटम एंड अपर एंड रिस्पेक्टिवली। देखो द इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम। एंड देखो लिखा है कि वाटर जो है किसी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है जिसका डाया जो है 300 mm टू 200 mm जा रहा है, और बॉटम एंड से अपर एंड तक फ्लो कर रहा है तो नीचे वाला बॉटम एंड होगा, अपर वाला ऊपर वाला अपर एंड होगा। तो मान लो तुम्हारी पाइप कुछ इस तरह की है, मान लो पाइप तुम्हारी इस तरह कुछ है। एक चीज़ और पढ़ो कि डाया जो है वो 300 mm से 200 mm का डाया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर डाया जो है डाया क्या है 300 mm से 200 mm जा रहा है, हमने कि डाया क्या है डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे डाइवर्जिंग नेचर का बनाएंगे पाइप, और बॉटम एंड क्या है 200-300 डाया है बॉटम एंड की, टॉप एंड की क्या है 200 mm। तो हमारा जो पाइप जो बनेगा वो कन्वर्जिंग बनेगा इस तरह आगे चल के, यानी कि जो ये बॉटम एंड है तुम्हारा ये टॉप एंड है, इस पर डाया कितना दिया 200 mm दिया, इसकी डाया कितना दिया 300 mm दिया। ठीक, और प्रेशर पता है हमको सेक्शन वन पे और सेक्शन टू पे। ठीक, और क्या दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम इन मतलब P1 दिया, उन्होंने प्रेशर एट द अपर इन मतलब P2 दिया। डिटरमाइन द डिफरेंस इन द डेटम हेड इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द डिस्चार्ज। हाँ अच्छा क्वेश्चन, देखो इसमें क्या कह रहा है कि डिस्चार्ज हमको पता है 40 liter per second, पहले मीटर की पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा ये 0.04 meter per second। ठीक, 10^-3 से का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा आ गया ये क्या डिस्चार्ज कैलकुलेट हो गया। अब डिस्चार्ज का फार्मूला हम जानते हैं क्या, A1V1 = A2V2 कंटेंट इक्वेशन से। तो हमको क्या पता है, देखो सेक्शन वन पे और सेक्शन टू पे डाया पता है, तो एरिया निकल जाएगा पाई फोर डी स्क्वायर से डिस्चार्ज हमको पता ही है। तो हम सेक्शन वन पे और सेक्शन टू पे वेलासिटी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिनिटी इक्वेशन, वी कैन ईजिली फाइंड द वेलासिटी एट सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। तो हम क्या करेंगे V1 V2 क्या करेंगे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ से कॉन्टिनिटी इक्वेशन लगा के। ठीक, तो V1 V2 हमको पता चल गया, प्रेशर P1 P2 भी पता है हमको, प्रेशर P1 पता है हमको, P2 पता है सेक्शन टू पे, ये दो चीज़ पता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डेटम हेड का डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है हमको, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि Z2 - Z1 फाइंड करना है। Z1 Z2 क्या डेटम हेड है एट सेक्शन टू एंड सेक्शन टू, सेक्शन वन एंड सेक्शन, Z2 क्या है तुम्हारा डेटम हेड है सेक्शन टू का, और Z1 क्या सेक्शन हेड का डेटम हेड है। तो हमको Z2 - Z1 फाइंड करना। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ कहीं लॉसेज वगैरह की बात नहीं कर रहा, तो हमारा हेड लॉस जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, हेड लॉस क्वेश्चन में दिया नहीं है बात कर, तो हेड लॉस जीरो हो जाएगा। जब हेड लॉस जीरो हो जाएगा तो जो हमारा टोटल एनर्जी एट सेक्शन वन होगा वही टोटल एनर्जी एट सेक्शन टू होगा सेम। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन वन क्या होगा, देखो P1/ρg + Z1 + V1² / 2g। अब देखो V1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं कहाँ से, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हेल्प से, जी हमको पता है 9.81, P1 पता है प्रेशर दिया है सेक्शन वन पे, डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्यों पता है क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर की डेंसिटी पता है हमको 1000 kg/m³, और Z1 नहीं पता है तो Z1 इसी तरह छोड़ देंगे हम। तो मान लो टोटल एनर्जी तुम्हारे पास आया 20 + Z1, ठीक Z1 हमको नहीं पता, डिफरेंस पूछा है। ठीक, और इसी तरह क्या करेंगे हम टोटल एनर्जी निकालेंगे एट सेक्शन टू, फॉर्म द फार्मूला लगाएंगे P2/ρg + Z2 + V2² / 2g। अब देखो V2 को पता है कहाँ से, कंटेंट इक्वेशन से, P2 पता है दिया है क्वेश्चन में, डेंसिटी पता है 1000, जी पता है 9.81, Z2 नहीं पता है, Z2 किसी तरह छोड़ देंगे तो क्या आएगा टोटल एनर्जी एट सेक्शन टू मान लो आया 10 + Z2। ठीक, अब हमको दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कोई एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा था, टोटल एनर्जी एट सेक्शन वन इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन टू। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन वन पे आया था कितना 10 + Z1 आया था, और सेक्शन टू पे क्या आया था 20 + Z2 आया था। तो हमको क्या करना है Z2 - Z1 या Z1 - Z2 निकालेंगे, जो बड़ा होगा उसमें घटा देंगे। तो
तो जेड वन माइनस जेड टू निकालेंगे हम, तो कितना आएगा 20 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा 10 मीटर। ठीक है, बस यही पूछा था क्वेश्चन, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो डिफरेंस इन एलिवेशन हेड और डेटम हेड कहा था, तो यानी कि जेड टम हेड आई होता है तो जेड टू माइनस जेड वन कैलकुलेट करेंगे आंसर हो गया तुम्हारे मीटर। सिंपल ये क्वेश्चन कहा था। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि डायरेक्शन निकालो फ्लूड का, फ्लूड फ्लो कहाँ से करेगा, सेक्शन वन से टू या टू से वन, सिंपल है हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी निकाले चुके थे, टोटल एनर्जी टू पे भी निकाल चुके थे, तो क्या करते हैं हम, जो एनर्जी ज़्यादा होती, मान लो टोटल एनर्जी अगर टू ज़्यादा होती वन से, तो टू से वन हमारा फ्लूड फ्लो करता, अगर वन पे ज़्यादा होती एनर्जी हमारी, टू पे कम होती, तो वन से टू हमारा फ्लूड फ्लो करेगा। ठीक है, और हेड लॉस क्या था, इसमें जीरो दिया था तो हम हेड लॉस को कंसिडर नहीं किए थे। अगर हेड लॉस दिया होता है दो मीटर चार मीटर, तो हम राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं उसको, उसमें क्या करते हैं राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं, यानी कि टी वन इक्वल टू टी टू प्लस हेड लॉस ऐड करते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक, मगर यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो इसलिए हम ऐड नहीं किए, और यहाँ पे हेड लॉस अगर गिवन नहीं रहता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर हेड लॉस जीरो है तो वहाँ जो इक्वेशन यूज होती है वो क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, जो बर्नौली इक्वेशन को बताया था हम, क्लासिकल। अगर हेड लॉस को इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन में तो जो बर्नौली इक्वेशन वो है, उस बर्नौली इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन है, तो किसमें मॉडिफिकेशन किए हैं हम। तो ये दो प्रॉब्लम जो है इजी प्रॉब्लम थी, खाली बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना था इन दोनों प्रॉब्लम को। और जब भी बर्नौली इक्वेशन आएगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जरूर आएगा, और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आएगा वो मोस्टली वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आता है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूटी से, और टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे बर्नौली इक्वेशन से, वहाँ पुट कर देंगे वैल्यू आ जाएगा आंसर। सिंपल ये बोला था क्वेश्चन में। अब देखो एक क्वेश्चन और सेम, एकदम सेम इसी तरह दिया है लगाना, प्रॉब्लम 6.5। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं, देखो क्या करना है, इसमें क्वेश्चन पढ़ना, तो क्वेश्चन में दिया है कोई एक टेपर पाइप है, टेपर पाइप मतलब जिसकी डाया यूनिफॉर्म नहीं है, जिस पाइप की डाया वैरी कर रही है, उस पाइप को हम कहते हैं टेपर्ड पाइप। तो मान लो तुम्हारा कोई पाइप है टेपर्ड पाइप है, उसमें सेक्शन वन पे हमको वैल्यू दी हुई है, वो सेक्शन टू पे वैल्यू दी हुई है, सब चीज़ें जो देख लेना क्वेश्चन पढ़ के दी हुई है। कह रहा है कि जो सेक्शन वन है वो दो मीटर की हाइट पे है, मान लो सेक्शन वन दो मीटर की हाइट पे है, और सेक्शन वन की हाइट के बारे में कोई बात नहीं की है, कोई वैल्यू नहीं दी है कि सेक्शन वन कितने हाइट पे है, कितना यानी कि डेटम हेड है उसका नहीं पता हमको। तो हम क्या करेंगे, रिफरेंस हम इसको मान लेंगे, तब जब रिफरेंस इसको मान लेंगे तो डेटम हेड क्या हो जाएगा, जेड वन का जीरो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई बात नहीं करता है डेटम हेड की, तो हम उसको जीरो कर देते हैं, याद रखना। जिस भी सेक्शन के लिए अगर डेटम हेड की बात नहीं करता है कि इस ये सेक्शन इतने मीटर ऊपर है, तो हम उसके लिए धीरे से क्या करेंगे, डेटम हेड जीरो कर देंगे। और चूंकि सेक्शन टू क्या दिया हमारा, दिया था क्वेश्चन में कि सेक्शन टू जो है वो दो मीटर की हाइट पर है, तो रिफरेंस दो मीटर मतलब जेड टू क्या है, दो मीटर दिया, बस यही करना था। जेड वन जेड टू को पता चल गया, प्रेशर पता है, लास्टली निकाल लेंगे डिस्चार्ज का फार्मूला यूज करके, डिस्चार्ज इक्वेशन ये क्यू बराबर ए वन ई वन ए टू ई टू करके, और जो भी क्वेश्चन है पूछा है वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये यानी कि सिंपल क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालो सेक्शन वन पे, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पी वन बाई रू जी, जेड वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसके लिए, और वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी निकल जाएगी टोटल एनर्जी सेक्शन वन। इसी तरह हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे सेक्शन टू पे, क्या हो जाएगी, पी टू बाई रू जी, जेड टू कितना थी मान लो चार मीटर आया था, प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो हम क्या निकाले, टोटल एनर्जी सेक्शन वन पे निकाल लें, टू पे निकाल लें, और देखो हेड लॉस क्या था, यहाँ जीरो दिया था क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या दिया, हेड लॉस जीरो दिया। तो अगेन जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब टी वन जो होगा वो टी टू के बराबर हो जाएगा, सिंपल दोनों को इक्वेट कर देंगे, और जो भी वैल्यू अननोन वैल्यू होगी जो फाइंड करना हो कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। देख रहे हो सब में यही हमको लगाना है, सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन, और कुछ करना ही नहीं, कंटिन्यूटी लगाओ, बर्नौली इक्वेशन लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, और दिमाग लगाना ही नहीं ज़्यादा इसमें, क्या लगाना है, इवन इवन ए टू ई टू और इक्वल टू डिस्चार्ज पता है हमको, तो वेलोसिटी निकालो कंटिन्यूटी इक्वेशन से, उसको वैल्यू पुट कर दो बर्नौली इक्वेशन में, फाइंड कर लो बस। देखो बर्नौली इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आती है, डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लूड का आता है, दूसरा हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए आता है, ठीक, तीसरा क्या टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आती है किसी भी सेक्शन पर, और फिर कभी कभी कहता है इसी को दूसरे टर्म में
कि कैलकुलेट करो प्रेशर हेड अलग अलग सेक्शन पे, या डेटम हेड कैलकुलेट करो कितनी होगी, काइनेटिक हेड या डायनेमिक हेड कितनी होगी, तो डायरेक्ट इंडिविजुअली कह देगा तो अलग अलग कैलकुलेट करके हम निकाल देंगे। तो सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, तो अब एक दो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद से इसके एप्लीकेशन देखेंगे बर्नौलीज के।